गुड इवनिंग एवरी वन टूडेर हेयर टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ को डोम सिस्टम आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सो ध्यान से देखिएगा को डोमिन का मतलब होता है जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कोई दो चीजें दोनों ही डोमिनेंट है मतलब फैमिली है उसमें कोई दो मेंबर रहते हैं दोनों ही डोमिनेंट है दोनों के इक्वल राइट्स है इक्वल वो सब कुछ कर सकते हैं किसी एक कोई भी एक पर्सन जो है वो डोमिनेंट नहीं है या मतलब ऐसा भी कह सकते हैं किसी एक की प्रेजेंस में आ, दूसरा जो है वो फंक्शन ही नहीं कर सकता मतलब दोनों करेंगे तो एक साथ फंक्शन करेंगे या तो नहीं करेंगे वो द अलील फॉर अ करेक्टर आर डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस इस फुल करेक्टर इज कॉल्ड को डोमिनेंस मतलब दोनों ही करेक्टर हर हाल में एक्सप्रेस होंगे आ, अपने आप को शो करने के लिए दोनों ही अलील एक्सप्रेस होंगे हर हाल में तो ऐसा हमने देखा है एग्जाम्पल ए ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमन के अंदर ठीक है के अंदर ये क्या मिस्टेक हो गई है भाई? में हम ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन ह्यूमन के अंदर हम सभी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल्ड किया जाता है थ्री एलिय के द्वारा एक तो होता है हमारा आईजीन और एक होता है आई ए एंड आई बी एंड आई मतलब थ्री टाइप्स के एलियन मिलकर हमारी ब्लड के अंदर बॉडी uh, के अंदर डिसाइड करते हैं कि विच विच ब्लड ग्रुप वी है मतलब ये तो डिपेंड करेगा ही नो no डाउट कि हमारे पेरेंट्स का पहले ब्लड ग्रुप क्या था बाद में ही हमारा डिसाइड होता है ठीक है सो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो लोकेटेड होता है क्रोमोजोम नंबर नाइन के ऊपर ठीक है ये साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी से हमें बता दी है बातें और आई ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस एंटीजन के लिए ए एंटीजन के लिए मतलब ए ब्लड ग्रुप के लिए और आई बी है रिस्पॉन्सिबल है वो बी ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल आई है वो किसी भी एंटीजन के लिए कॉड नहीं करता है क्लियर है जैसा कि आप ये देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से देखिए स्ट्रक्चर है क्रो है क्रोमोसोम नंबर पे जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट होता है अब हम पढ़ते हैं को डोमिनेंट का जो एग्जांपल है आई ए एंड आई बी ये दोनों ही डोमिनेंट है जब भी किसी की बॉडी के अंदर आई ए या आई बी प्रेजेंट होगा दैट मीन उसका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी है ठीक है डोमिनेंट ओवर द आई स्मॉल आई के ऊपर हमेशा डोमिनेट रहता है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप उसकी बॉडी में जीनोटाइप हो सकता है या तो आई ए या आई ए हो मतलब आपको पता है ना ये अलील हमेशा पेड़ में प्रेजेंट होते हैं या उसका जीनोटाइप हो सकता है उसकी बॉडी में आई ए या स्मॉल आई हो क्योंकि स्मॉल आई तो अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता तो अगर आई ए भी प्रेजेंट है तब भी काम चल जाता है तब भी अगर किसी की बॉडी के अंदर अगर सपोज आपकी कोई फ्रेंड है वो बोलती है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर उसकी बॉडी में या तो ये जिनोटाइप होगा या ये जिनोटाइप होगा क्लियर है अगर किसी की ब्लड ग्रुप बी है सपोज आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके अंदर पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं या तो आई आई बी आई बी होगा या होगा आपका आई बी और स्मॉल आई ये दो जीनोटाइप ही पॉसिबल है इसके अलावा कोई भी चीज़ थर्ड पॉसिबल नहीं है लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है तो उनमें सिर्फ और सिर्फ ये ही जो है वो जीनोटाइप पॉसिबल हो सकता है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ठीक है आई ए आई बी क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं ठीक है इसलिए इनको कोडोमिनेंट का ही बेस्ट एग्जांपल माना जाता है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ यही जीनोटाइप होगा स्मॉल आई क्लियर है अब मैं आपको एक क्रॉसिंग बताती हूँ जिससे कि आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का ब्लड ग्रुप है तो आप प्रडिक्ट कर सकते हैं कि उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा कैसे कर सकते हैं सपोज किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसकी मैरिज हो जाती है ए ब्लड ग्रुप वाली लड़की से ठीक है तो उसके पॉसिबल जीनोटाइप बॉडी में मैंने अभी बताया कि या तो आई ए आई ए या आई ए स्मॉल आई होगा या हो सकता है ये दोनों ही हो ठीक है तो अगर ये जीनोटाइप है चाहे ये जीनोटाइप है तो पॉसिबल फिनोटाइप मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा सिर्फ ए होगा अगर ये है आई ए आई ए है या कैप कैपिटल ए या स्मॉल आई है तब भी ब्लड ग्रुप ये होगा ठीक है अरिया अगर कैपिटल ए स्मॉल आई की जिनोटाइप अगर मान लो किसी मेल पर्सन का जिनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल आई है और उसकी मैरिज भी कैपिटल ए स्मॉल आई जिनोटाइप वाली लड़की से हो रही है तो उनके बच्चे का जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप है या तो ए होगा या ओ होगा इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में नहीं हो सकता क्लियर है अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है और वो बी वाले लड़की से मैरिज करता है तो दो टाइप के जिनोटाइप हो सकते हैं या तो उस बंदे की बॉडी में आई बी आई बी जिनोटाइप होगा अगर वो क्रॉसिंग करवाता है मतलब उसकी दूसरी लड़की से शादी होती है ठीक है तो अगर उस उसका जिनोटाइप टाइप आई बी आई बी है तब भी ब्लड ग्रुप बी होगा उनका अगर उसका जीनोटाइप एक का डिफरेंट है दूसरे का आई बी आई बी है और लड़की का आई बी आई बी स्मॉल आई है तब भी उसका ब्लड ग्रुप भी होगा ठीक है बच्चे का ब्लड ग्रुप भी होगा अगर लड़की का capital I, B है small I है और लड़के का भी बाई सेम है, तो उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की संभावना बी या ओ हो सकता है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है सपोज मेरा ए बी है और मैरिज होती है ए बी वाले इंसान से ही लकली मेरे हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप यही है सो पॉसिबल जीनोटाइप हमारे में नेक्स्ट जनरेशन के लिए ए बी या ए ब्लड ग्रुप हो सकता है बी हो सकता है ए बी हो सकता है लेकिन ओ ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ए बी वाले की यही खास बात होती है कि उस उनकी बॉडी में क्या होता है एंटीबॉडीज नहीं होती ना क्योंकि ए बी के पास जो है वो स्मॉल आई वो कभी भी अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर सकता तो ओ ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं होगा यहाँ पे ठीक है लेकिन ओ वाला अगर ओ वाले से मैरिज करेगा तो डेफिनेटली उनके बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा ठीक है यहाँ पे एक और टेबल है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि स्टडी की स्टडी बनाई होती है क्वेश्चन की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि अगर पेरेंट वन है ठीक है मेल पेरेंट मान लेते हैं इसको पेरेंट फीमेल मान लेते हैं अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है अगर वो ए वाले से मैरिज करेगा तो दो ही टाइप का उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की संभावना है या तो ए ब्लड ग्रुप होगा उस बच्चे का या ओ होगा लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप वाला बी से शादी करता है तो चारो टाइप के ब्लड ग्रुप वाला बच्चा उनके पैदा हो सकता है या तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है ये बी भी हो सकता है ए बी भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है ठीक है चार चारों टाइप के जो है वो ब्लड ग्रुप वाला बच्चा जो है वो पैदा कर सकते हैं ए और बी ब्लड ग्रुप वाले लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और वो ए बी से शादी करता है मैरिज करता है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा या ए बी कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा ये इसको आप हमेशा याद रखिए किसी भी ए बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के बच्चे का लेडी का ठीक है अगर शादी होती है किसी भी दूसरे आ, मतलब ब्लड ग्रुप से तो कभी भी उनका ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा उनके बच्चों में कभी भी ओ, ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा ए वाला अगर ओ से मैरिज करता है तो ए या ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकता है उनके बच्चों में बी वाला बी 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 ब्लड ग्रुप भी हो सकता है उनके बच्चे का ओ भी हो सकता है लेकिन बी वाला अगर ए बी से शादी करेगा तो डेफिनेटली ओ नहीं आएगा बाकी सब मिल बाकी सब ब्लड ग्रुप हो सकते हैं उनके बच्चे के ठीक है बी वाला अगर ओ से मैरिज करता है तो बी या ओ मिलेगा ए बी वाला अगर शादी करता है ए बी ब्लड ग्रुप से तब भी वो ब्लड ग्रुप नहीं आएगा उनके बच्चों में बाकी तीनों ब्लड ग्रुप की संभावना आने की ठीक है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है अगर वो से मैरिज करेगा तो डेफिनेटली ओ ही होगा ठीक है सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट था जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है और ये एक हमारा कोड डोमिनेंट ठीक है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ के अंडर ये हमारा आता है मैंडल के फर्स्ट में ठीक है ऑफ सो इट इज क्लियर क्रिस्टल क्लियर Thank you.